हेलो फ्रेंड्स राधे राधे फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स आज मैं ये जो वैलेंटाइन स्पेशल रोज बनाना आपको सिखाऊंगी ये देखिये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है इसको जो है हम लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाने में यूज करेंगे जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम इस रोज को जो है हम लड्डू गोपाल की ड्रेस में कैसे यूज कर सकते हैं बहुत ही प्यारी लगेगी फ्रेंड्स इसको आप मंदिर के डेकोरेशन में भी रख सकते हैं ये भी ये देखिए कितना ज्यादा सुंदर है तो आप सीधा इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कीजिए ताकि जो आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियोज को आपको मिलते रहे तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये जो है रोज बनाना सिखाती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो है ब्लू कलर की ऊन से बनाना सिखा रही हूं कि कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैंने क्रोशिया हुक में एक नोट बना ली है ये देखिए अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 33 थ्री चेन्स लूंगी सबसे पहले मैं यहाँ पे थर्टी थ्री चेन्स लूंगी दो तीन चार पांच छ सात तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं थर्टी थ्री चेन्स जो है कंप्लीट करती हूं तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी जो है थर्टी थ्री चेन्स यहाँ पे मैंने डाल ली है आपको भी थर्टी थ्री चेन्स डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है देखिए सबसे पहले हम यहां पे यहां से जो है चेन्स काउंट करेंगे हमें सिक्स चेन में पांच छोड़ के सिक्स चेन में जो है हमें डबल क्रोशिया डालना होगा हम काउंट कर रहे हैं फ्रेंड्स फिर से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव छोड़ के जो सिक्स चेन है इसमें मैंने डबल क्रोशिया डालना है तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सिक्स चेन में जो है डबल क्रोशिया डाल दिया अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे हम दो चेन यहाँ पे हम छोड़ेंगे अब हमें थर्ड चेन में फिर से एक और डबल ड़ क्रोशिया डालना है लेकिन थर्ड चेन में डालना है दो फ्रेंड्स ये जो मेरी पूरी जो लड़ थी पूरी जो थर्टी थ्री चेन्स ली थी उसी में मैं बता रही हूं दो चेन्स हमें छोड़नी है थर्ड चेन में हमें डालना है तो हम गिनेंगे एक दो तीन थर्ड चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया डालना है तो फ्रेंड्स मैंने ये डबल क्रोशिया डाल लिया है अब फ्रेंड्स मुझे यहां पे दो चेन लेनी है एक दो अब फ्रेंड्स जिसमें मैंने जिस चेन में मैंने डबल क्रोशिया डाला था उसके बाद दो चेन डाली है उस जिसमें मैंने डबल क्रोशिया डालना डाला था उसी में मुझे अब एक और डबल क्रोशिया डालना है तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये मेरा जो है एक लूप सा बन गया है तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपना सेम प्रोसीजर जो है आगे प्रोसीड करूंगी फिर से मैं आपको बता रही हूं कैसे करना है फ्रेंड्स अब मुझे फिर से दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में दो चेन छोड़ के एक दो तीसरी चेन में मुझे डबल क्रोशिया डालना है ये पूरा सेम प्रोसीजर चलेगा दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में मुझे डबल क्रोशिया डालना है फिर दो चेन लेनी है फिर उसी चेन में जहां पे मैंने पहले डबल क्रोशिया डाला था उसी चेन में फिर से मुझे डबल क्रोशिया डालना है फ्रेंड्स फिर से मैं एक बार और, और ये वाला जो है रिपीट करके आपको बताऊंगी सबसे पहले मुझे दो चेन छोड़ के दो चेन छोड़ के मुझे तीसरी चेन में डबल क्रोशिया डालना है ये देखिए मैं तीसरी चेन में डबल क्रोशिया डाल रही हूं फिर मुझे दो चेन लेनी है फिर मुझे यहां पे उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया डालना है तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है मैं पूरा आगे जो है करूंगी तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने यहां पे पूरा अपना ये ये वाला जो वर्क है कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स अब देखिए यहां पे जो है अगर आप ये देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है ये वी बन रहा है देखिए ये एक वी बना फिर ये उल्टा वी बना फिर ये सीधा वी बना फिर ये उल्टा वी बना फिर सीधा वी बना थोड़ा सा हम आपको स्प्रेड करके भी दिखा रही हूं देखो ये देखो उल्टा भी, सीधा भी, उल्टा भी, सीधा भी, इस तरह से वी बन रहे हैं zigzag पूरा पैटर्न बन रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स ये वी ही वी आपको बनाने ही हमारे हमने थर्टी थ्री चेन्स ली तो फ्रेंड्स हमारे वी देखिए कितने बनेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये मेरे दस सीधे भी बने हैं उल्टे भी दस बनेंगे सीधे भी दस बनेंगे तो फ्रेंड्स मेनली अपने सीधे वी काउंट करने टोटल हमारे टेन सीधे जो वी है वो टेन बने हैं तो फ्रेंड्स इसमें कैसे आपको देखना होगा अगर आपको बड़ा फ्लॉर चाहिएगा छोटा फ्लॉर चाहिएगा उस हिसाब पर डिपेंड करेगा अभी मैंने थर्टी थ्री चेन ली थी टेन वी है अगर आपको ज्यादा चाहिए होंगे तो आप ज्यादा चेन लेंगे चेन किस हिसाब से लेने है? वो मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको टेन वी चाहिए तो आपको टेन इंटू थ्री थर्टी प्लस थ्री चेन्स आपको एक्स्ट्रा लेनी होंगी अगर आपको टोटल फिफ्टी फिफ्टीन वी चाहिए तो फ्रेंड्स फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव प्लस आपको थ्री वीर थ्री चेन्स और करनी, करनी होगी तो टोटल आपको अगर पंद्रह वी चाहिए तो आपको फोर्टी एट चेन लेनी होगी तो फ्रेंड्स जितनी आपको वी चाहिए उसको आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव और फिर एड थ्री और चेन्स एड कर देंगे तो आपको इस तरह से आपको स्टार्टिंग में चेन लेनी थी अब जैसे हमने थर्टी थ्री चेन्स ली थी हमने कैसे थर्टी थ्री चेन्स ली थी मैं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने टेन वी हमें चाहिए थे तो टेन इंटू थ्री थर्टी थर्टी के बाद मैंने प्लस थ्री कर दिए तो मेरे पास थर्टी थ्री मैंने स्टार्टिंग में चेन ली अब फ्रेंड्स ये वी बनाने के बाद जो है मेरे को कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले यहाँ पे जो मैं वर्क के एंड में आ गई थी तो मुझे अब एक चेन लेनी है एक चेन लेने के बाद फ्रेंड्स मुझे जो है उल्टा कर देना है अपने इसको उल्टा करने के फ्रेंड्स Uh, मुझे यहाँ पे अब क्या करना है कि फर्स्ट जो मेरा नीचे जो डबल क्रोशिया है ये फर्स्ट मेरा यहाँ पे नीचे डबल क्रोशिया है तो उसकी जो ये फर्स्ट चेन है उसी में मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया डालना है फर्स्ट चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया डालना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने एक चेन ली वर्क को उल्टा किया एक सिंगल क्रोशिया ले लिया है अब फ्रेंड्स ये देखिए जो मेरा नीचे वी बना हुआ है ये मेरा वी है इसमें से मुझे डबल क्रोशिया डालने हैं एट डबल क्रोशिया डालने तो ये जो नीचे पूरा वी है इससे मैं से ले रही हूं मैं आठ डबल क्रोशिया डालने मुझे यहां पे एक मैं आपको दिखा रही हूं एक हो गया दो उसी वी में से मुझे बार बार डालने ये तीन मेरे डबल क्रोशिया हो गए हैं चार पांच छे सात ये आठ तो फ्रेंड्स ये देखिए अब किस तरह से ये जो मेरा पैटर्न जो है आठ मैंने इस वी में जो है आठ डबल क्रोशिया डाले तो मेरा इस तरह से ये पैटर्न नजर आएगा अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ये जो हमारी उल्टी वी है नेक्स्ट जो हमारी उल्टी वी है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया डालना है पूरी में से ही डालेंगे फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया डाल दिया अब फ्रेंड्स ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये हमारा रिपीट होता जाएगा देखिए मैंने पहले जो सीधी वी थी उसमें आठ डबल क्रोशिया डाला जो फिर मेरी उल्टी वी थी उसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया डाला अब जो है मेरा नेक्स्ट जो सीधी वी है इसमें मैं अपने आठ डबल क्रोशिया फिर से डालूंगी फ्रेंड्स एक फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड वी में भी मेरे आठ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं अब देखिए मेरे दोनों वी कैसे दिख रही हैं आप ये देखिए दोनों वी में मैंने अपने आठ आठ डबल क्रोशियर डाल दिए तो ये इस तरह से मेरा, जो है सेमी सर्कल फिर सेमी सर्कल जैसा पैटर्न बन रहा है तो फ्रेंड्स इस तरह से मुझे ये पूरे वी करने है मैं एक बार फिर से आपको बता दी हूँ आठ डबल क्रोशिया डालने के बाद ये सीधी वी में डाला था अब मैं उल्टी वी में एक सिंगल क्रोशिया डालूंगी फ्रेंड्स मुझे पूरा ये जो है लेना था अब मैं ये फिर मेरा सीधा भी आएगा उसमें मुझे फिर से आठ डबल क्रोशिया लाना है फ्रेंड्स एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने एक डबल क्रोशिया डाल दिया अब फ्रेंड्स आप देख ध्यान से देखिए मैंने पूरे वी में से मैं डबल क्रोशिया लेके जाती हूँ एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए ये जो पूरा होल है जो पूरा लूप सा बना हुआ है उसमें से मैं लेके जाती हूँ देखिए तो इस तरह से मेरे तीन डबल क्रोशे हो गए तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपने डबल क्रोशिया जो है आठ डबल क्रोशिया सीधे वी, वी में डालूंगी फिर उल्टी वी में मैं एक सिंगल क्रोशिया डालूंगी फिर आठ डबल क्रोशिया डालूंगी फिर एक उल्टी वी में मैं एक डबल सिंगल क्रोशिया डालूंगी तो इस तरह से मुझे ये मेरे पास जो है सेमी सर्कल जो बन रहे हैं जो मैंने अभी दो बना लिए तीसरा बना रही हूँ ये मेरे पास टोटल टेन सीधे वी में टेन सेमी सर्कल्स बन जाएंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे टेन के टेन जो है वीज बन के तैयार हो गए इसमें टेन के टेन सेमी सर्कल्स बन गए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मेरे टेन जो है सेमी सर्कल्स बन गए हैं तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका सीधा नहीं रहेगा थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे डबल क्रोशियाज आए हैं अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे जहां पे हमने एट्थ डबल क्रोशिया बनाया हुआ था यहाँ पे मैं हूं अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैंने छह पांच चेन स्किप की थी ये वही वाला पोर्शन आ गया है आपको पांचों चेन नहीं दिखेंगे क्योंकि कुछ चेन्स जो है मेरी इसके अंदर आ गई है तो आपको यहां से यहां से मैं काउंट करूंगी देखिए जहां से मैं बता रही हूं तो यहां से मैं तो तीन चेन काउंट करनी है एक दो तीन इस थर्ड चेन में जो है मैं सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी क्योंकि बची हुई जो दो चेन थी वो मेरी अंदर आ गई तो इस पैटर्न में डबल क्रोशियर के उसमें इसलिए आपको नहीं दिख रहा है यहां पे यहां से मैंने जो है एक सिंगल क्रोशिया डाल दिया था मैंने काउंट वहां से किया था तीन यहां से काउंट किए थे तीन चेन छोड़ के यहां पे मैंने जो है एक सिंगल क्रोशिया डाल दिया है अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है अपना गांठ लगा लूंगी और धागे को कट कर लूंगी तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इस पूरे पैटर्न को जो है रोल करके हमारा फ्लावर बनाएंगे सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए देखिए हमारी फ्रंट साइड जो है ऊपर होनी चाहिए बैक साइड पीछे होनी चाहिए ये बैक साइड है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और ये फ्रंट साइड है ये वाली फ्रंट साइड है अब हम फ्रंट साइड ऊपर लेंगे और इसको अब रोल करते जाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स हम किस तरह से इसको रोल कर रहे हैं बस फ्रेंड बहुत सिंपली तरीके से हमें इसको रोल करना है रोल करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे ये देखिए बैक साइड से हम इसको पकड़ के रखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा हिले नहीं और हम यहाँ पे स्टिचिंग करना सिखा रहे हैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है ब्लू कलर का ही धागा जो है सुई में धागा पिरो के रखा है देखिए अब मैं यहाँ पे जो है स्टिचिंग करूंगी ब्लू कलर का धागा फ्रेंड्स इसीलिए लिया है ताकि बिल्कुल भी दिखे नहीं धागा अब देखिए फ्रेंड्स जो लास्ट वाला जो था उधर से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है और फ्रेंड्स इन सबको मैं जो है थोड़ा कर लूंगी स्टिचिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा कि फ्लावर बहुत छोटा हो जाए आराम आराम से ढीले हाथों से आप थोड़ा इसको जो है स्टिचिंग करते रहेंगे फ्रेंड्स हम ये जो सारी जो इसकी जो लोअर पार्ट था सबको हम लेते हुए स्टिच कर देंगे ताकि हमारा फूल उखड़े नहीं बिल्कुल भी ये देखिए हम नीचे से अंदर से बाहर की तरफ ले रहे हैं और फ्रेंड्स टाइट मत कीजिएगा पता चला कि थोड़ा आपका लीव जो है आगे से सही नहीं दिखे देखो मैं स्टिच कर रही हूं एक बार मैं आपको आगे से दिखाती हूं कैसा दिख रहा है ये देखिए वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था पकड़ के रखना है फ्रेंड्स अच्छे से अब मैं पूरा अच्छे से और स्टिच कर लेती हूं फ्रेंड्स अब मैं जो है जो फर्स्ट आगे से जो था उसमें से मैं धागा ले लिया है ये देखिए यहां पे मेरा धागा बाहर की तरफ आ गया है ऊपर की तरफ आ गया मैं नीचे की तरफ कर लूंगी मैं जो फर्स्ट लीव थी मेरी उसको भी करती जा रही हूँ अगर फ्रेंड्स आपको ये बड़ा फ्लावर चाहिए तो आप इसमें टेन की जगह फिफ्टीन वीज बना सकते हैं फिफ्टीन वीज के बनाने के लिए आपको फोर्टी एट चेन चाहिएगी तो इस तरह से मैं जो है इसको बस अभी स्टिचिंग करती जाऊंगी तो फ्रेंड्स ये मेरा जो है स्टिचिंग ऑलमोस्ट हो गई है अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है मोती लगाऊंगी मोती लगाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने पीछे से जो है सुई जो है निकाल लिए बीचों बीच निकाल लिए फ्रेंड्स अब जो है मैं इसमें मोती डाल लूंगी मेरी सुई में एक मोती पिरो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने मोती पिरो लिया अब फ्रेंड्स मैं मिडल्स में ही ये जो मेरी निडल है मिडल से ही नीचे की तरफ ले जाऊंगी फ्रेंड्स एक बार और मैं धागा ऊपर की तरफ लेके और मोती के साथ ले ले लूंगी पहले धागा लिया अब मैं मोती के साथ ले रही हूं ताकि मेरा जो है मोती उखड़े नहीं अब मैं नीचे ले जाऊंगी सुई को फ्रेंड्स देखिए ब्लू कलर के धागा लेने का यही फायदा हुआ कि ब्लू कलर का जो धागा है अब हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी ऊन में छुप जाएगा ये देखिए मेरा मोती लग के तैयार हो गया कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है फ्रेंड्स अब ये देखिए मोती हमारा बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है अब मैं पीछे से जो है अच्छे से स्टिच कर दूंगी धागे को पक्का कर लूंगी ताकि धागा खुल नहीं जाए हमारा नोट बना लूंगी मैं यहाँ पे और जो है धागे को फिर मैं कट कर लूंगी तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे दोनों फ्लावर जो है बनकर तैयार हो गए हैं ये मैंने अभी जो ये ब्लू कलर का जो बनाया था मैंने छोटा फ्लावर बनाया था टेन लीव्स ली थी यहाँ पे और ये मैंने बड़ा फ्लावर बनाया फिफ्टीन लीव्स का तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आपको जैसा आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है आप उतना बड़ा फ्लावर बना सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे ये फ्लावर हैं ये मैं लड्डू गोपाल में की ड्रेस में बनाने आपको यूज करना बताऊंगी किस तरह से करेंगे आने वाली वीडियोस में आप जरूर देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा ये ड्रेस कितनी बन के ये जो ड्रेस है इससे कितनी ज्यादा सुंदर बनेगी और फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से बहुत से लोगों को हमारी वीडियोस के बारे में पता चले प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वैलेंटाइन स्पेशल फ्लावर कैसे लगे थैंक यू फ्रेंड्स राधे राधे